वेलकम टू खान स्पोर्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास एक कोकोनट वुड का बेड आया हुआ है जिसका बॉटम टूटा हुआ है। मैं इसके बॉटम को रिपेयर भी करूँगा और इसके नीचे एक केमिकल से टो भी लगाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इस पर ग्लू लगा दिए। अब मैं इसके बॉटम को रिपेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसके बॉटम की रिपेयरिंग हो रही है। बॉटम तो मैंने इसके रिपेयर कर दिया था। अब ये केमिकल होता है जिससे हम टो लगाते हैं और इसमें ये लकड़ी का पुराया डाला जाता है। आप समझ लें जैसे पिसी लकड़ी होती है वो डाली जाती है, उसे अच्छी तरह मिक्स करके फिंगर्स के साथ लगाया जाता है। वैसे तो हम लोग इसको स्केल से भी लगा सकते हैं और भी चीज़ों से लगा सकते हैं, लेकिन फिंगर से लगाया हुआ होता है वो मजबूत चलता है, इसलिए हम फिंगर से लगाते हैं ताकि इसमें मजबूती बरकरार रहे। इस केमिकल को बहुत ही अच्छी तरह से फिंगर से मल मल के लगाया जाता है ताकि ये काफ़ी टाइम तक चलता रहे और जो बैड का टो है, बैड का जो बॉटम का एरिया है वो ख़राब ना हो। मैंने एक रंधे का ब्लेड रखा हुआ है जिसे मैं उसे ऊपर से इसको ठोकता हूँ, ये और पक्का हो जाता है। आप देख सकते हैं इस पर थोड़ा बहुत सूखा हुआ लकड़ी का पुराया भी डालते हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद इसका टो जो तैयार होता है। बैड के बॉटम को पूरी तरह से फिल कर देते हैं इस केमिकल के साथ जिससे लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसके बाद इसको तकरीबन 8 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम इसे लेवल कर देते हैं और पैड मैंने रिपेयर कर दिया है फुली, तो ही मैंने वीडियो बनाई और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं हर तरह से इसे लेवल किया जाता है। नाउ अब ये बैट टोटली रेडी हो गया, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको उसको नीचे मार के भी इसके बाद सुनाऊंगा, आप इसका साउंड चेक कीजिएगा।